कॉग्निजेबल में तो मैंने बता दिया आपको, यदि कॉग्निजेंस होगी तो उसमें एफआईआर होगी और उसमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, कोई वारंट लेने की जरूरत नहीं है, कोई लेने नहीं। जो नॉन कॉग्निजेबल है वो उसको फर्स्ट मतलब हमारे डेली डायरी में दर्ज किया जाता है, उसकी एफआईआर नहीं करती। जस्ट मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल वहां पर गिर गया, तो वो क्या है उसमें कॉग्निजेंस थी, कोई नहीं आया, वो मिसप्लेस हुआ। तो उसकी एक उसके जो है ना उसकी रिपोर्ट सीधे तौर पर लिखी जाएगी, वो एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं है। आप जो आएंगे बोलेंगे, आपको बैठा पूछा जाएगा कि क्या है, आप क्या एड्रेस है और कैसे आ रहे हैं। आप जो सब्सटेंस बोलेंगे, जैसे कि मैं बस में आ रहा था या पैदल आ रहा था, तो फलां जगह मैं इतने बजे वहां पहुंचा तो वहां मेरा मोबाइल आ चुका था, लेकिन जब मैं थोड़ा आगे देखा तो वो मिसप्लेस हो चुका था, लेकिन मैंने पीछे हट के तलाश की, मेरे को नहीं मिला, तो उसको जो है तलाश किया जाए। तो क्या करें हम, क्या करेंगे वो उसकी रिपोर्ट लिखेंगे, जो हमारा उस पर फिर एक्शन बनेगा। और हम क्या करेंगे, ऑल कंसर्न को यदि उसकी डिस्क्रिप्शन होगी कि ये किस मेक का था, यदि आपको उसका ईएमआई नंबर वगैरह याद है, ईएमआई नंबर वगैरह, तो उसमें हम पूरा आपको डिटेल देख रहे, तो थानों में लिखेंगे ये इस तरीके का फोन हुआ है, आपकी बिजली खरीदने को नहीं, कोई ऐसी चीज है या कहीं ट्रैकिंग पर लगा देंगे, कहीं कोई उसको ये तो नहीं कर रहा, दूसरी सिम यूज करके, तो उसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे और उसकी एक रिपोर्ट की कॉपी दे देंगे। और वो हुआ नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। जो कॉग्निजेबल है, मान लीजिए मेरी, मैं बोलूंगा कि मैं आ रहा था, मैंने हाथ में पकड़ा, तो वहां पर मेरे को लेकर व्यक्ति मिला और उसने मेरे हाथ से मोबाइल छीन के ले लिया, तो वो किसी भी तौर पर कॉग्निजेंस लिया, उस कॉग्निजेंस में एफआईआर कटेगी। एफआईआर कटेगी तो उसमें तो पूरी इन्वेस्टिगेशन उसमें भी करेंगे हम, लेकिन उसमें जितना कर जरूरी है उतना ही इसमें हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये वाकई चोरी हुई है, उस आदमी को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, उस मोबाइल को लोकेट करने की कोशिश करेंगे। जब उसको ट्रेस किया जाएगा तो आपकी जो आपने उसका आइडेंटिटी शो की है, तो आपने उसका मॉडल भी एक बुक दिया कब का बना हुआ है, तो उसका जो दिखाया उसको टैली करेंगे, जब मिलेगा आइडेंटिफिकेशन कराएंगे और कवर करेंगे, तो उसमें इस व्यक्ति से कवर रहा उसको गिरफ्तार करेंगे और उसको फर्दर जरूरत होगी तो पुलिस रिमांड उसका वसूल करेंगे, और नहीं होगी तो उसको जेल भेज देंगे। तो एक आदमी को जो है पुलिस 14 दिन तक रिमांड में ले सकती है, और मतलब पुलिस रिमांड में 15 दिन तक हिरासत में रखा जा सकता है सामान्य तौर पर। और यदि कोर्ट उसकी जमानत नहीं होती तो जब तक वो अपराध ट्रायल नहीं होता तब तक वो जेल में जमानत होगी, तो जज साहब तो पुलिस उसमें कुछ एक मामले होते हैं जो जिनमें पुलिस जमानत दे दे सकती है। अब वो लोगों को कंफ्यूजन होती है कि इस आदमी को तो अंदर कर दिया और एक आदमी को छोड़ दिया, तो वो ऐसा होता है कि वो बेलेवल ऑफेंस होते हैं, उसमें यदि हमारा जो कोडल फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है उसमें बेलेवल ऑफेंस है, यदि उसने हमें कोऑपरेट किया है और वो ठीक है ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो हम उसको क्या बेल ग्रांट करने की पावर पुलिस को, लेकिन सब मामलों में नहीं है। ऐसा सोचे कि सभी मामलों में पुलिस जमानत दे सकती है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया फिर बोलेगी पुलिस उसकी जमानत ले ले, तो वो पुलिस उस कोर्ट में उसको जमानत नहीं देती, वो कोर्ट से ले पुलिस उसको खोज करेगी इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। तो जो बेलेवल ऑफ अफेंस है उसमें पुलिस जमानत दे करके उसको छोड़ सकती है, और जो नॉन बेलेबल है उसमें पुलिस नहीं जमानत दे सकती। लेकिन ऐसे सब की पावर है, बड़ी बात है, तो चलो आप लोगों को कुछ बारे में नहीं बता को पावर है कि वो गैर जमानती ऑफेंस में भी किसी को जमानत देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन हर पुलिस में नहीं।
पब्लिक के साथ अन्याय होना चाहिए, तो एक मत विशेष होना चाहिए। और आप लोगों की इसको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो थाने में कैसे सेटअप होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, आई लोग को बैठने के लिए, यहाँ का हिसाब से मैं इन्वेस्ट करा दूंगा, और मैं उसके लिए अलग हॉल अलग होती है थाने में रखने के लिए, उसको हिसाब से रखा जाता है और वो गाड़ी की जाती है। टाइम के या उसका बोर्ड मेंटेन किया जाता है, मेडिकल वगैरह कराया जाता है उसको, उसके हाथ और हुकूम के बारे में उसके लीगली अधिकारों के जो है हिरासत में भी नहीं उसके बंद होते हैं, जो उसका लीगली राइट है उसमें जैसे वकील से मिलना मिलाया जा सकता है, उसको मेडिकल असिस्टेंस की कोई जरूरत पड़ती वो दी जा सकती है, उसको खाना टाइम टू टाइम दिया जा सकता है, दिया जाता है जो कि उसके राइट्स है, वो उसके पुलिस हिरासत में भी नहीं मतलब बंद होते, वो उसके अधिकार बना कर बंद हो जाते हैं, जो उसके कानून अधिकार है वो उसको चलाया जाता है, पूरा प्रोवाइड किया जाता है। बाकी आप लोग इसके अलावा कोई क्वेरी पूछ सकते हैं। बाकी हमारे तो अब सारे रजिस्टर भी अपडेट कराएं तो आपको टाइम मिल रहा है, जैसे हमारे पास कोई रिकॉर्ड आता है ये हमारे पास कितने सामान ग्रांट साल में भी होते हैं, उसका महीने बाद ये लिखा जाता है कितने निकले, तो एक कितने आए, कितने सर्व हुए, कितने अनुसर्व बढ़ गए, वो सारा हर चीज़ का एक रिकॉर्ड रखा जाता है। कोई कॉरेस्पॉन्डेंट आती है, कोई पत्र आता है, कोई खास्ता आती है, उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है और लिखा जाता है कब आया, किसने दी, उसने आगे क्या डिस्पोजल हो, कितने डिस्पोजल, ये लिखा जाता है और रिकॉर्ड को रखा जाता है, रिकॉर्ड को करके रखा जाता है, और साल बाल पत्ते बनाए जाते हैं, बदल बनाए जाते हैं और उसमें मांग के रखा जाता है। यदि कोई एम बी एक्ट में मोटर वाहन जैसे गाड़ी चलाता है उसकी कोई वायलेशन करता है तो उसके एक एम बी एक्ट का एक अलग फॉर्मेट होता है, उसके अनुसार उसको जो है ना एक चलान किए जाते हैं। और यदि पुलिस के पास कंपाउंडिंग की जो पावर है जिन सेक्शनों में वो पुलिस कर सकती है, अदरवाइज कोर्ट में वो जा करके पूछना पड़ता है, तो उसमें उसका डिस्क्रिप्शन पूरी लिख जाती है कैसी गाड़ी थी, कब ली, कहाँ उसने क्या ऑफेंस किया और उस ऑफेंस के लिए कितना फाइन है, मैक्सिमम कितना फाइन है, मिनिमम कितना फाइन है, वो सारा इसमें ये किया जाता है, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो डाटा बेस हमारे डाटा बेस में होता है और मेमोरी में भी लिखा जाता है। और कोई इसके बारे में आप जान, उसके अलावा आप कोई आपके मन में कोई इंक्वायरी